आप नेशन न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देखिए इस वक्त झाझा के पूरे मुख्य बाजार में शिवरात्रि के अवसर पर जो तमाम झांकियां है, शिव बाजार से निकलने वाली झांकी, पिपराडी से निकलने वाली झांकी, गणेशी मंदिर से निकलने वाली झांकी और साथ ही साथ जो बस स्टैंड से झांकी निकल रही है, पूरे तरीके से जो श्रद्धालु है, जो शिव भक्त है, सभी में उत्साह जो है वो शीर्ष पर नजर आ रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि तमाम जो झांकियां है सभी में जो गाड़ियों की संख्या है वो तकरीबन कम से कम 15 से 20 है, कहीं कहीं 40 है और श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 10,000 के पार है। झाझा के मुख्य बाजार के दुर्गा मंदिर चौक, गांधी चौक, बस स्टैंड चौक, इन तमाम जगहों पर जो श्रद्धालु है, जो शिव भक्त है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो पुरुष हैं, जो बुजुर्ग हैं, पलके बिछाकर तमाम शिव बारात में आने वाले लोगों का स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और जो 11,000 नारियल से शिवलिंग बनाए जाने की बात पिपराडी में बताई जा रही थी, उसका भी दर्शन करने के लिए लोग व्याकुल थे। जो झाझा के शिव बाजार की बात कर लेते हैं तो शिव बाजार में झांकी का एक अलग ही रूप देखने को मिला है। तमाम जो कलाकार है वो अपने विभिन्न कलाकृतियों से लोगों को आकर्षण किए हुए हैं। तमाम जो सदस्य हैं कमेटी के वो भरपूर तरीके से लगे हुए हैं ताकि जो कमेटी के जो सदस्य हैं वो पूर्ण रूप से जो शिव बारात निकाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सभी लोग अव्वल पे ला सके, इसको लेकर कमेटी के सदस्य लगातार विगत कई दिनों से मेहनत और कड़ी मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। हालांकि पिपराडी में भीड़ की संख्या सबसे ज़्यादा थी और शिव बाजार को लेकर बात ये निकल कर आ रही है कि शिव बाजार में जो झांकी में जो कलाकार है वो बाहर से बुलाए गए हैं और तमाम कलाकार अपने अलग अलग कलाकृतियों से लोगों को आकर्षण का केंद्र बनाए हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज, जमुई। सबसे पहले शिव परिवार की ओर से पूरे झाझा वासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। और शिव बाजार से सबसे पहले बहुत पुरानी बारात हर साल निकलती है और यह बारात इसीलिए और आकर्षक हो जाता है क्योंकि यहाँ खुद कलाकार हैं। कलाकार अपनी कलाकारी दिल खोल कर दिखाते हैं। आप देखेंगे इस बारात में एक से एक कलाकार नजर आएंगे और एक से एक भव्य झांकी बहुत विकराल रूप में आज झाझा नगर भ्रमण कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, लगभग 2,000 की संख्या में होगी। शिव बाजार शिव परिवार के द्वारा जो झांकी निकाली गई वो भव्य है और सभी शिव भक्त साथ साथ चल रहे हैं। पूरे अपार भीड़ के साथ सबों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो कैसा लग रहा है पिपराडी में 11,000 नारियल से बनने की शिवलिंग बात? बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार पिपराडी में 11,000 नारियल की शिवलिंग बन रही है जो कि बहुत भव्य है। और जो आज का दिन शिवरात्रि का दिन है, पिपराडी से जो जुलूस निकला है पूरा झाझा में एक अलौकिक जुलूस है जो कि देखने लायक है। कम से कम 5,000 की संख्या में इस बार भीड़ निकली है। पूरा पिछले बार की अपेक्षा इस बार भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, सभी जगह देखने को मिल रहा है, 3-4 स्पॉट पे। और ऐसे भी झांकी की भी संख्या इस बार संभवतः बढ़ गई है, गणेशी मंदिर की भी झांकी अच्छी तरह से निकली, क्या कहें? देखिए हर्ष जी, शिवरात्रि की के लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। और गणेशी मंदिर की जो झांकी निकली थी वो तो देखने लायक थी, जैसा लोगों ने उसमें कलाकारी किया था बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो देखने में। सारी हमने तो अभी सारी झांकियां देखी नहीं है, अभी तो हमने शिव बाजार की देखी, उसमें जितने कलाकार हैं सारे लोग बाहर से आए हैं, अपनी अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। जो शिवलिंग बनाया गया है 11,000 नारियल से, विगत 10 दिनों से तैयारियां चल रही थी, पिपराडी को लेकर क्या? पिपराडी का झांकी तो बहुत पहले से निकल रहा है और हर बार देखने में कुछ ना कुछ नया दिखता है। इस बार जो 11,000 नारियल से शिवलिंग बनाने का जो कॉन्सेप्ट बहुत ही अनोखा है, पहले कभी किसी ने ट्राई नहीं किया और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। लगभग कितने हजार की भीड़ लग रही है पूरे झाझा में, जिस तरह से रोड जो है पूरी तरह से भीड़ से ही? पूरा रोड आप जहां तक देखिए भीड़ से ही भरी हुई है। 5,000-10,000 लोग तो रोड पे निकल करके बाबा की बाराती में नाचने के लिए सब कोई खुश रहते हैं। बाबा की बाराती है, साल भर में एक बार आती है तो इसीलिए अच्छी बात है। 13 अच्छा, पिछले बार से इस साल कैसा भव्य? इस बार पूरे भव्य निकला है, सभी झांकियां सुंदर और भव्य निकली है। इस बार शिव तांडव भी, जैसा कि पता चल रहा था कि शिव बाजार में शिव तांडव होगा, जो जुलूस निकल रही है, जो झांकी निकल रही है उसमें, सही बात? शिव तांडव तो हो रही है, बाबा का चिल्लम वाला शिव तांडव हो रही है, बीच वाला झांकी में है पूरा भव्य रूप से।
Thank you.